हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल पढ़ाई। यहाँ आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑन डेली बेसिस। शाम को 7 बजे के बाद हमारी वीडियो आ जाती है। आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, नॉलेज फैक्ट्री 2K20। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी एग्जाम में आ सकते हैं इसमें से। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा क्वेश्चन और ये सेशन, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार के लिए आई लीड 2.0 लॉन्च किया? ऑप्शन आर बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, HDFC, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैनरा बैंक। तो दोस्तों, कैनरा बैंक ने आई लीड 2.0 का स्टार्ट किया है, किस लिए? वो अपनी बैंकिंग सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। Who is nominated for the United Nations 2020 Young Leader List? Options are Udit Singhal, Prakhar Chaturvedi, Gautam Gambhir, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उदित सिंघल। तो दोस्तों, ये है उदित, जिनको यूनाइटेड नेशंस ने चुना है यंग लीडर के लिए फॉर SDG, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फ्रिक्शन, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन बुक्स। ऑप्शंस आर चेतन भगत, जसवंत सिन्हा, अमीश त्रिपाठी, अरुंधति रॉय। तो इसका आंसर है अरुंधति रॉय, यानी ऑप्शन डी। विच कंपनी इंश्योरेंस बुकर लॉन्च द डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल पे बीमा? तो पे बीमा किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आर रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है महिंद्रा। तो महिंद्रा वालों ने एक पे बीमा नाम का सिस्टम लॉन्च किया है। तो चलिए जानते हैं होता है क्या है ये पे बीमा। पे बीमा बेसिकली क्या है? ये कंपैरिजन कराता है इंश्योरेंस कंपनी का, इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। किसका प्रोडक्ट है ये पे बीमा? महिंद्रा वालों का। फैसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर बलरान, हर्षद, अरुण सिंघल, रणदीप गुलेरिया। तो इसका आंसर है अरुण सिंघल, ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये है अरुण सिंघल, जिनको अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ फैसी। तो फैसी की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। कब फाउंड हुई थी ये कंपनी, ये संस्था? अगस्त 2011। इन विच स्टेट इज द ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शंस आर पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, नॉन। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये क्वेश्चन हमने पहले ही आपको प्रीवियस वीडियो से बता दिए हैं और आपको अभी तक याद भी हो गया होगा कि गवर्नर कौन है यूपी की? आनंदीबेन पटेल। कैपिटल क्या है यूपी का? लखनऊ। हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैज बीन रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल? ऑप्शंस आर 8, 7, 4, 2। तो इसका आंसर है 8। 8 बीच को रिकमेंडेड किया गया है किसके लिए? इंटरनेशनल इको लेवल के लिए। फुटबॉल खेल का जन्म कहां हुआ? वेयर वॉज द फुटबॉल गेम बोर्न? ऑप्शंस आर इंग्लैंड, इंडिया, फ्रांस, नॉन। तो इसका आंसर है इंग्लैंड। तो सबसे पहले फुटबॉल का जन्म, यानी फुटबॉल कहां खेला गया था? इंग्लैंड में।
तो दोस्तों इंग्लैंड में 12वीं सेंचुरी से खेला जा रहा है फुटबॉल, और इंग्लैंड को ही जन्मदाता बोला जाता है फुटबॉल का। आपकी फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हु टुक एडिशनल चार्ज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री? ऑप्शंस आर पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल, स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, और उससे पहले वो क्या थे, बेसिकली क्या है वो, यानी कि उनके पास दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? द हाइएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों घूम नाम की एक जगह है, कहाँ पे? हिमालय में की वादियों में, दार्जिलिंग हिमालय हिल्स के पास एक जगह है घूम नाम की, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और कौन सी स्टेट में आती है ये? वेस्ट बंगाल में, और वहीं पे है हमारा देश का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नए ऊर्जा के साथ और उमंग के साथ। धन्यवाद।